लौटते हैं आई दूसरी पुकार में एक पुनः एकदम मुस्कुराते हुए तुम्हारे सामने खड़ा है। तो क्या तुम इसको स्वीकार करती है दूसरी पुकार के लिए, तो अपना तीन कदम बढ़ा करके इस लोटा पानी को ग्रहण करेगी। ग्रहण कीजिए और हाँ ठीक है, उसने रहने दीजिए। तो ये हुआ दूसरा पुकार, दोनों दूसरा पुकार में ये लोग पास हो गए हैं ना। अब तीसरी पुकार में क्या होता है, अपने अपने स्थान पर पुनः चले जाएंगे। लोटा पानी इधर लेके तुम, तो इस समय हम लोग देखते हैं कि दूसरा स्थान या दूसरा पुकार हो चुका है। इसके बाद हम पुनः हमारी वहन से आशा करेंगे कि तीन छोटी कदम बढ़ाएंगे और खड़े हो जाएंगे। हाँ भाई, तो यह तीसरी पुकार है। सोच लीजिए, विचार कर लीजिए आगे के जीवन में क्या मैं तेरे हाथों को पकड़ा रहूंगा, तेरे वचन पर चलता रहूंगा, क्या स्वीकार है? फटाफट स्वीकार इन्होंने किया है। आइए हम लोग ताली मारते हैं। तो इस समय बीच में आप रख दीजिए इसको, लोटा पानी को रख दीजिए। अब हम आशा करेंगे यहाँ पर स्थान देना चाहते हैं, उसके बाद हमारी बहन लोगों को रुमाल बांधा बांधी करेंगे चाहे और कुछ करेंगे। हम लोग का लोटा पानी कार्यक्रम हो गया है। तो मैं हमारे आए हुए सुंदरगढ़ के माँ बहनों से आशा करता हूँ कि आप लोग जो जगह दीजिएगा बोले थे, इसलिए मैं जगह आप लोग को देना चाह रहा हूँ। तो इस समय हम लोग देख रहे हैं कि लोटा पानी में वचन कर्म से बंध करके समाज से ऊपर उठ करके एक दूसरे को ये लोग ऐसो माला पहना पहनी हो रहे हैं। तो क्या भाई आप सचमुच में इसको सारे हृदय से सारे मन से है ना ये इसको अपना जीवन साथी बनाने के लिए स्वीकार है? अगर स्वीकार है तो आप हमारी बहन को माला पहनाएंगे। हाँ तो क्या बहन आप भी दुख में सुख में हर प्रकार के विपत्ति में इसके साथ होने वाली है, क्या जीवन भर इसके साथ जीवन साथी निभाने के लिए तैयार हैं? जी हाँ, तो आप भी इसके ऊपर में हार माला और इस हरमाला की तरह हमेशा जीवन भर मुस्कुराते रहना है, ना कि आधा दूर जा करके धूमिल हो जाना है। नहीं, इसी फूल की भांति माला की भांति हमें जिंदगी भर उस परिवार के साथ उस फूल की माला की तरह महकते रहना है। धन्यवाद। माला पहनाएंगे। धन्यवाद। तो इस समय मैं आशा करता हूँ कि अपने जगह पर बैठ जाएंगे और ये भी बैठ जाएगी और एक दूसरे का हम लोग हाथ धोवन चाहे पैर धोवन हम लोग करेंगे एक दूसरे के बीच।